subscribe and turn your notifications on. चैप्टर 8 पब्लिक ऑफेंसेस के बारे में डील करता है और चैप्टर 8 में अनलॉफुल असेंबली भी एक टॉपिक है और ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है. अब हम अनलॉफुल असेंबली के बारे में देखेंगे कि अनलॉफुल असेंबली होती क्या है, कैसे फॉर्म होती है और इसकी पनिशमेंट क्या है. तो इस सेक्शन में हम यही देखेंगे. FIR अंडर सेक्शन 142 मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली Whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly, intentionally joins that assembly or continues in it, is said to be a member of an unlawful assembly. Unlawful assembly का member कौन है? Unlawful assembly का member वो है जो ये जानते हुए कि जो assembly का जो object है वो unlawful है और उसके बाद भी असेंबली को ज्वाइन करता है और असेंबली में पार्टिसिपेट करता है और पार्टिसिपेट करने के बावजूद और ज्वाइन करने के बावजूद उसके अंदर कंटिन्यू उस असेंबली को ज्वाइन रखता है और कंटिन्यू असेंबली के साथ करता है तो और उसका पार्ट बना रहता है और असेंबली का पार्ट बना रहता है तो उसको हम मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक जगह प्रोटेस्ट हो रहा है अगेंस्ट गवर्नमेंट, कुछ लोग क्रिमिनल फोर्स शो भी करवा रहे हैं और यूज़ भी कर रहे हैं और गवर्नमेंट मतलब के पार्लियामेंट की तरफ मार्च कर रहे हैं और उनके हाथ में स्टिक्स हैं और सब कुछ है. तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सारे लोग मेंबर्स हैं, उनको पता है कि हम जा रहे हैं पार्लियामेंट के ऊपर हमला करने, अटैक करने, उनको सबको पता है, उनके हाथ में स्टिक्स हैं. तो यहाँ पर हर एक को पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, वो कहाँ पर किस साइड पर जा रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं. और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सो एवरीवन इज द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली. यहाँ पर एक और एग्जांपल है, पांच बॉयज इकट्ठे हुए एक जगह में और उनके हाथ पे हॉकीज और कुछ के हाथ पे चाकू वगैरह थे तो उन्होंने फाइट करने जाना है. तो यहाँ पर बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट्स डेट ही इज इंटेंशनली जॉइंस अनलॉफुल असेंबली, तो यहाँ पर सबको फैक्ट होता है कि हम फाइट करने जा रहे हैं, एवरीवन नोज. और यहाँ पर जितने भी पांच के पांच हैं ये हर बंदा मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली है. हर एक को ऑब्जेक्ट पता है कि जाके हमने लड़ाई करनी है, सही है, और हर एक को पता है कि इन्होंने जाके मार पिटाई करनी है और फाइट करनी है. तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सारे अनलॉफुल असेंबली, वो इन्होंने अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन की है, सब ने मिलकर एक अनलॉफुल असेंबली बनाई है और इसके अंदर वो कंटिन्यू करेंगे और आगे जाके जब मारेंगे तो दीज ऑल आर द मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सब्सक्राइब एंड टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑन.